कोरोना संकट के दौरान देश भर के आईआईटी शोधकर्ता और स्टार्टअप जांच किट, पीपीई किट, मास्क और वेंटिलेटर विकसित कर इस महामारी के असर को कम करने की कोशिशों में जुटे हैं। देश के ये विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार हैं और ऐसे वक्त में जब सरकार का जोर आत्मनिर्भर भारत पर है, ये संस्थान इस दिशा में अपना सर्वश्रेष्ठ देने को तत्पर हैं। दुनिया के शीर्ष संस्थानों में शामिल आईआईटी दिल्ली ने भी इस ओर अपना कदम बढ़ा दिया है। ये संस्थान पहले से ही सबसे अधिक यूनिकॉर्न कंपनी पैदा करने वाले शीर्ष 10 वैश्विक संस्थानों में शामिल है। आईआईटी दिल्ली इज हेल्पिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज आत्मनिर्भर इनिशिएटिव्स एंड एट आईआईटी दिल्ली वी आर टेकिंग मेनी स्टेप्स राइट नाउ to turn our students into job providers rather than remaining as job seekers. So there are a lot of initiatives that we have launched in the institute towards making this a possibility. Startup तैयार करने और इन startup के जरिए fund जुटाने के मामले में भी IIT दिल्ली देश के बाकी संस्थानों से आगे है। शोध और अनुसंधान कार्यों पर संस्थान ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान 350 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। That's a good kind of a possibility for Indian academia to contribute to startup initiatives through technology-driven entrepreneurship kind of initiatives and through interdisciplinary research kind of initiatives. And this is also where our alumni are coming forward and helping us in variety of ways. So I would like to say that I think down the line you will see IIT Delhi standing up with the public and with the society and in finding solutions to the problems that we are currently facing in the country. IIT दिल्ली के कैंपस में स्थापित होने वाले रिसर्च पार्क में उद्योग जगत के साथ मिलकर शोध कार्य होंगे और यहाँ एक वक्त में 100 से भी अधिक स्टार्टअप तैयार किए जा सकेंगे। IIT दिल्ली का लक्ष्य अगले साल से हर साल 200 से अधिक शोध कार्यों को पेटेंट कराने का है, जो फिलहाल 150 पेटेंट प्रति वर्ष है।